दोस्तों जहाँ पे कंगना रनौत हो और वहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। और हाल ही फिलहाल में कंगना रनौत ने फिल्म फेयर वालों से ही कंट्रोवर्सी कर लिया है। हाल ही फिलहाल में कंगना रनौत की फिल्म एक थलाइवी थी जो कि नॉमिनेट की गई थी फिल्म फेयर वालों की तरफ से, लेकिन कंगना रनौत को ये चीज अच्छी नहीं लगी। और ये पता नहीं उनको अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि उनकी फिल्म को तो नॉमिनेट किया जा रहा था। उसके बाद भी कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के और फिल्म फेयर वालों को काफी उल्टा सीधा बोला है, और वहां पे इन्होंने सू सू करके उसको भगाने की कोशिश की है। जैसे कुत्ते को भगाया जाता है सू करके, वैसे फिल्म फेयर वालों को भी भगाने की कोशिश की गई है। जब कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जब इस पोस्ट को किया, उसके बाद फिल्म फेयर वालों ने सबसे पहले तो इनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल किया, डिसनॉमिनेट कर दिया इनकी फिल्म को। और उसके बाद उल्टा सीधा काफी कुछ उन्होंने भी पोस्ट करके इंस्टाग्राम पे बताया। और कंगना रनौत फिल्म फेयर वालों को तो स्टार्टिंग से इसलिए चिढ़ती है क्योंकि इनका कहना है कि ये जो फिल्म फेयर वाले अवार्ड देते हैं, जो इन फिल्म फेयर वालों को पैसा देता है, और इनका कहना यह है कि जितने भी नेपोटिज्म के लोग हैं जो भी बॉलीवुड में एक दूसरे को भाईचारा से सपोर्ट करते हैं, सिर्फ फिल्म फेयर वाला उनको अवार्ड देता है। इसी चक्कर में हो सकता है कि ये फिर से गुस्सा हो गई है और काफी उल्टा सीधा कुछ बोला है फिल्म फेयर वालों को।